Hello friends, myself Ravi Bhardwaj and you are watching my YouTube channel CSE Tutes for You, that means Computer Science and Engineering Tutorials for You. So friends, PHP Tutorial Series के आज के इस Video Tutorial Series में हम लोग discuss करने वाले हैं comments के बारे में. So friends, comment क्या होता है? जैसे आपने जो भी दूसरे programming language पर अगर पढ़ा होगा तो आप उस programming language के में कमेंट्स के बारे में जरूर डिस्कस किए होंगे, जरूर पढ़े होंगे. तो कमेंट का यूज, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कमेंट का यूज करते हैं. कमेंट क्या होता है? तो कमेंट का यूज जो प्रोग्रामर होता है वो दूसरे प्रोग्रामर या दूसरे यूजर को ये बताने के लिए करता है कि हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है. मतलब अगर हमें प्रोग्राम में किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना होगा तो उसके लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं. तो जब आप कमेंट प्रोग्राम में देते हैं तो वो कमेंट केवल प्रोग्राम टाइम पर ही देखा जा सकता है. जो भी आप कमेंट में जो भी मैसेज या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आउटपुट में प्रोड्यूस नहीं होता है. जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वहां पर वो कमेंट को इग्नोर कर देता है. कमेंट को वो इग्नोर कर देता है, कमेंट को वो रीड नहीं करता है. आप कमेंट में कोई भी अल्फाबेट, वर्ड, लेटर, सिंबल कुछ भी लिख सकते हैं तो वो कमेंट को इग्नोर कर देता है. जब हम प्रोग्राम को देखते हैं तो प्रोग्राम टाइम पर ही हम उस कमेंट को पढ़ सकते हैं और उसके जो भी इंफॉर्मेशन है उस चीज को समझ सकते हैं. रन टाइम पर वो हमें आउटपुट में प्रोड्यूस नहीं होता है. तो जो हमारा कमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट कमेंट के नाम से भी जानते हैं. तो जैसे आपने सी सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो वहाँ हमें अगर सिंगल लाइन कमेंट देना होता है तो हम लोग वहाँ पर डबल स्लैश का यूज करते हैं, और अगर मल्टी लाइन कमेंट देना होता है तो स्लैश स्टार देन स्टार स्लैश से उसको क्लोज करते हैं. तो सेम वही सिंटेक्स हम लोग पीएचपी के अंदर भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पर पीएचपी का प्रोग्राम है, अगर हमें यहाँ कमेंट देना है तो कमेंट देने के लिए यहाँ पर आप सिंगल एंड कमेंट देना है तो डबल स्लैश का यूज करेंगे, या उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो दिस, सॉरी यहाँ पीएचपी के अंदर आना है और यहाँ पर आपको कमेंट देना है तो डबल स्लैश देना, आप लिखेंगे हेलो दिस इज पीएचपी कमेंट लाइन. तो ऐसे आप जो भी कमेंट लिखेंगे तो कमेंट आपका ग्रीन कलर में डिस्प्ले होता है. जैसे आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आपको सिंगल डबल स्लैश के अंदर देना होता है. आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट ही हमको आ रहा है, जो कमेंट में लिखे हैं वो कमेंट हमको प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. वैसे ही अगर आप चाहें तो सारे लाइन्स को भी कमेंट बना सकते हैं. जैसे आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपका कमेंट बन जाए तो आप क्या करेंगे, पीएचपी के अंदर जिस भी चीज को आप कमेंट बनाना चाहते हैं तो वहां पर डबल स्लैश का यूज कर देंगे तो वो सारा का सारा हमारा कमेंट बन जाएगा. जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं पीएचपी के अंदर के कोड में जैसे कुछ भी कंटेंट लिखते हैं उसको कमेंट करना है तो आप सामने में डबल स्लैश लगा दीजिए तो वो हमारा कमेंट बन जाएगा. अब इसको आप सेव करके जब रन करेंगे तब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था ए, और ए की वैल्यू थी 10 और यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे. तो मैंने क्या किया कि ए जो वेरिएबल है और यहाँ जो प्रिंट कर रहे हैं ए की वैल्यू, दोनों को मैंने कमेंट में डाल दिया तो यहाँ पर हमको आउटपुट में प्रिंट नहीं हो रहा है. आपको याद रखना है जो कमेंट होता है वो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है. तो हम लोग कमेंट में यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, कंपाइलर उसे रीड नहीं करता है. और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट मतलब डॉक्यूमेंट कमेंट देना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्लैश स्टार देन स्टार स्लैश. इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे कि स्टार्ट करने के लिए स्लैश और आपको स्टार लगाना है. जैसे कि देखिए मैं स्लैश स्टार लगाया तो सारा का सारा प्रोग्राम हमारा ग्रीन हो गया, मतलब सारा का सारा प्रोग्राम हमारा कमेंट बन गया है. अगर आपको यहाँ जो भी कमेंट देना है, जैसे कि आपको मान लीजिए नेम देना है, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं प्रोग्राम का क्या नाम है वो देना है, प्रोग्राम का ऑथर देना है, प्रोग्राम का डेट देना है, या फिर आपको जो भी यहाँ पर मैसेज देना है तो आप चीज यहाँ पर वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. देन एक चीज आपको याद रखना है कि सिंगल लाइन कमेंट को तो हम लोग डबल स्लैश देने के बाद सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं, बट अगर आप मल्टी लाइन या डॉक्यूमेंट कमेंट देते हैं तो आपको उस कमेंट को क्लोज भी करना होता है. तो क्लोज करने के लिए स्लैश स्टार से स्टार्ट करते हैं और क्लोज करने के लिए हमको यहाँ स्टार देन स्लैश लगाना होगा. तो
तो आप स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो सारा का सारा हमारा हमारा कमेंट कहलाएगा, और इस कमेंट में लिखे गए मैसेज कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं, ना तो आउटपुट में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे देखिए, मैं इसको सेव करके जब दोबारा से प्रोग्राम को रीलोड करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर केवल हमारा कोड ही आ रहा है, कमेंट में लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग प्रोग्राम में अपनी जरूरत के अनुसार कमेंट का यूज कर सकते हैं। आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको प्रोग्राम में सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप क्या करेंगे, डबल स्लैश लगाएंगे और इसके बाद सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप इंटर करके कुछ और लाइन लिखेंगे तो वो आपका कमेंट नहीं कहलाएगा, केवल सिंगल लाइन ही कमेंट ये मतलब सपोर्ट करता है। इसके लिए हम लोग डबल स्लैश का यूज करते हैं। बट अगर आपको एक से अधिक लाइन इनपुट करना है कमेंट के रूप में तो उसके लिए आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ स्लैश स्टार, देन जितने भी लाइन आपको कमेंट देना है वो दीजिए, देन स्टार स्लैश से आप उसको क्लोज कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे पर डे अपलोड होने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।